तो जल ले लीजिएगा माता जी से ना, दाहिने हाथ में हथेली वो जल है आपने लोटे में, ये वाला जल तो वहाँ रख देंगे बाबू कलश वाला बन जाएगा, वो जल से ले लेंगे थोड़ा थोड़ा भी ले लीजिए, जो बिजली का दीपक है उसमें भी आप ले लीजिए जल काम आ जाएगा, और उसे ना थोड़ा थोड़ा इसमें ले लेना है दाहिने दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लेते हैं। जब मैं स्वाहा कहूँ तो लंबा स्वाहा ऐसे करके सब अंदर जल को धारण करना है। तो आते हैं ओम अमृतो पसरण मशी स्वाहा, फिर दूसरा जल लेते हैं, तीन बार करना है ओम बार ओम सत्यम यथा श्रीमयी श्री सर्यताम स्वाहा, अपना जल लेते हाथों को शुद्ध कर लेते हैं। लेकर क्या ये हमने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे आचरण सब विचारों के साथ युक्त हो जाए, मेरे कर्म सात्विक हो जाए और मेरा जीवन ही सेवा को समर्पित हो जाए, मेरा जीवन ही व्यक्तिगत भावों से उठ करके समष्टिगत भावों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, इसके लिए मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया। अब अंग स्पर्श करना है ताकि एक एक अंग हमें आरोग्य को प्रदान करने वाला है, तो अंगों को कैसे हम आरोग्य प्रदान करें, अंग मेरा कैसे सात्विकता के साथ अपने कार्यों को निर्वहन कर सके, उसके लिए अंगों को स्पर्श करना है। भावना को जब कान को छूते हैं तो हे प्रभु मेरा कान शुद्ध हो, कानों से सुनने की जो शक्ति है वो हमेशा प्रबल रहे, आँख जब छुएंगे तो आँखों के बारे में जिसका नेत्र ज्योति हमेशा बना रहे, आँख कभी मेरा धूल ना हो, आँख कभी मेरा खराब न